डेली कहता है, इसको समीर होता है तो उसको समझाता है, कहता है कि चुप रहो ना पापा आ जाएंगे एक दो दिन में। हमको न्याय कैसे मिलेगा? हमको सब लोग से, जनता से, सरकार से, पुलिस से, पब्लिक से, प्रतिपक्ष से, नेता सब से ही हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि हमको न्याय दिलाइए। मेरे पति का हत्या जो हुआ है उसको बेकार मत जाने दीजिए, उनको साथ, उनके साथ इंसाफ कीजिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एक परिवार आया है वाल्मीकि नगर से, इनके पति की कुछ दिनों पहले हत्या कर दी गई थी और आरोप है कि जो वाल्मीकि नगर के जेडीयू के विधायक हैं रिंकू सिंह, उन्होंने ये हत्या करवाई है। और आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से ये मुलाकात करने पहुँचे थे और तेजस्वी यादव के समक्ष इन्होंने पूरी बातों को बताया कि किस तरीके से उनके पति की हत्या कर दी गई। इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है लेकिन इंसाफ जो है इन्हें मिल नहीं रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने आई थी, क्या कुछ बातें हुई उस दौरान? जी, वो हमको आश्वासन दिए हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा। जी, क्या क्या था पूरा मामला? मामला था कि मेरे पति पूर्व जिला पार्षद थे और 14 फरवरी के ठेकेदारी के काम भी करते थे। 14 फरवरी के शाम सवा सात के लगभग रिंकू सिंह विधायक एक शकील नाम का ठेकेदार था और उसके 4 बोलेरो से लोग आया था और उनको पुलिस के सामने, नौरंगिया थाना का जो पुलिस है उसके सामने मेरे पति की हत्या कर दी गई। रिंकू सिंह वहाँ खड़ा होकर मेरे पति का हत्या करवाया। हम सब थाने में, उसके गाड़ी का नंबर का प्लेट नंबर जो प्लेट था वो भी वहाँ टूट के गिरा, उसका भी जांच हुआ, जो गाड़ी उसके पिता के नाम से रजिस्टर्ड था। घटनास्थल से एक मुजरिम को भी पकड़ा गया, बोलेरो से खींच के वहाँ का पब्लिक, उसके बबलू जायसवाल नाम का एक था, उसको खींचा, उसके बाद मारपीट करके उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया है, वो भी पूरा बताया। लेकिन अभी तक रिंकू सिंह का या बाकी शकील आत्मसमर्पण कर दिया है लेकिन बाकी लोग की कोई गिरफ्तारी नहीं, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम यहाँ वहाँ चारों तरफ भटकने के बाद ही आए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। करेंगे, उसका सत्ता है, उसकी सरकार है तो उसको कुछ नहीं होगा। इस बात से हमको बहुत ज़्यादा हताशा हो रहा है कि क्या हम लोग के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा, क्या उनकी हत्या उसी तरह जाए। देखिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे परिवार में भी कोई नहीं है, मेरा वहीं एक थे, मेरा दूसरा कोई नहीं है, सास ससुर भी, हम रेंट पर रहते हैं, हमारे पास घर भी नहीं है। नहीं, हम बेतिया में रहते हैं, अब वाल्मीकि नगर भी, दोनों जगह हम रहते थे, डेरा में ही रहते थे, मतलब बाघा में और सिरिसिया जो चौक है उसी चौक पर उनकी हत्या हुई है। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है, आश्वासन दे रही है कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन आज कितना दिन हो गया, 14 फरवरी से आज 5 तारीख 5 मार्च, ये मेरी माँ है। हाँ, क्या कहेंगे? देखिए, छोटा छोटा 2 बच्चा है, इनके पास कोई सहारा भी नहीं है, इसलिए हम साहब से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई सहारा मिले, इंसाफ मिले। कैसे चलेगी आगे जिंदगी आप लोगों को सोचा? कोई पता नहीं है कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कोई पता नहीं है हम लोग के साथ कल क्या होगा, कोई पता नहीं। क्या भरोसा दिया? वो बोले हैं कि ठीक है आपकी बात को उठाया जाएगा, विधानसभा में उठाया जाएगा, आपके साथ न्याय होगा। हाँ, बोले हैं, हमको दिए हैं, हम लोग का उन पर पूरा भरोसा है कि हाँ इंसाफ मिलेगा। बच्चा सबको देखिए, कितना छोटा छोटा बच्चा है, कोई सहारा नहीं है इनके पास। बड़ा बच्चा अपने बाप को आग दिया है, देखिए इसका, बड़ा बच्चा 5 साल का है, छोटा बच्चा 3 साल का है। डेली पूछता है, देखिए उसको मालूम भी नहीं कि पापा मतलब नहीं आएंगे अब, वो डेली कहता है, इसको समीर होता है तो उसको समझाता है, कहता है कि चुप रहो ना पापा आ जाएंगे एक दो दिन में। हमको न्याय कैसे मिलेगा? हमको सब लोग से, जनता से, सरकार से, पुलिस से, पब्लिक से, प्रतिपक्ष से, नेता सब से ही हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि हमको न्याय दिलाइए। मेरे पति का हत्या जो हुआ है उसको बेकार मत जाने दीजिए, उनको साथ, उनके साथ इंसाफ कीजिए। बस यही मेरा कहना है सब लोगों से, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। हम न्याय के लिए धर धर भटक रहे हैं, सच को सच साबित करने के लिए चारों तरफ जा रहे हैं कि सच को सच कोई बोल दे, सच को सच साबित कर दे, लेकिन अभी तक हमको कोई, पुलिस की तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है,
पुलिस जब मेरे साथ डीएसपी साहब जब मेरे साथ आए थे, डीएसपी साहब वहाँ के जो यहाँ के डीएसपी साहब हैं जो मुझसे पूछताछ करने आए थे, तो लगता था कि मैं कोर्ट में खड़ी हूँ। वो रोड किधर जाता है, गाड़ी का नंबर क्या था, जो रंग क्या था टायर का, हत्या किया उसका उम्र क्या था, यही सब सवाल हमसे पूछा गया कि हत्यारे की उम्र क्या है। चलिए हाँ बोलिए, आप कौन हैं? हाँ वो मेरा बोनोई थे, मेरा जीजा जी थे, और हम लोग के आँखों मैंने आँख के सामने हत्या हुआ, वहाँ पे हुआ है। विधायक खुद आके खड़ा होके और वहाँ से खुद बोले कि साले को गोली मार दो, और गाड़ी में से चार आदमी निकला, उनको धक्का दिया। विधायक जस्ट बगल में खड़े थे, जस्ट बगल में नौरंगिया थाना के अनिल सिंह जो सीआई है, और वो उसके बाद चार गो सैफ भी था, वो कोई बीच बचाव नहीं किया, वहाँ उनके सामने गोली मार दिया। आज हम लोग बराबर एसपी से वहाँ बेतिया डीआईजी से भी संपर्क में हैं, बोल रहे हैं कि ठीक है, आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई होगा। आज 14 तारीख से लेकर आज 5 तारीख हो गया, कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। वहाँ कोई विधायक के गाड़ी भी के नंबर प्लेट पब्लिक वहाँ से नोच ली उनको, लेकिन वो गाड़ी के भी पेपर में भी आया, न्यूज़ में भी चला, लेकिन उस पर पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पुलिस विधायक और सत्ता पक्ष के होने के चलते रिंकू सिंह पर कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस और रिंकू सिंह पूरा आपस में मिले हुए हैं, और हम लोग को न्याय न दिलाने के पूरा प्रयास किया जा रहा है। कोई विधायक और पुलिस इसमें आज तक बोल रहे हैं कि ठीक है कि विधायक को बाहर है, नेपाल भाग गया है, हम एसटीएफ के टीम, अगर विधायक कहीं भी भाग गए होंगे तो उनके साथ तो सरकारी बॉडीगार्ड है, पुलिस तो चाहेगी तो तुरंत उनसे संपर्क कर सकती है उस बॉडीगार्ड के द्वारा, लेकिन उस पर कोई भी पुलिस उधर जा ही नहीं रही है, विधायक से कोई मतलब नहीं रखते। विधायक खुद खड़ा होकर ऑन द स्पॉट हम लोग का आँखों देखा हाल है, वहाँ के पब्लिक कम से कम हजार के लोग भी वहाँ से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि रिंकू सिंह वहाँ पे थे और वहीं पे मर्डर करवाए। जब एसपी और डीएसपी वहाँ पे जाते हैं तो जब डीएसपी के सामने पब्लिक वहाँ बोल रही है कि विधायक खड़ा होकर आदेश दिए गोली चला दो, तब डीएसपी उनका बयान नहीं लिख रहे हैं, उसको डरवाने लगते हैं वहाँ के लोगों को। फिर बाद में एसपी साहब को यह मामला वहाँ पे बहुत पब्लिक जब हुर्दुम करती है तो संज्ञान लेते हुए बोलते हैं कि ठीक है डीएसपी, अगर तुम ज़्यादा एथी करेगा तो हम एथी भी करेंगे, तुम पर एफआईआर भी करेंगे। लेकिन आज तक कोई भी ना एसपी के द्वारा ना किसी भी प्रशासन के द्वारा हमको साफ बुझा रहा है कि सरकार के इसे जानबूझ के इस पर बचाया जा रहा है, बचा रही है सरकार विधायक जी को पूरा। अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ, इसका यही हम मतलब निकालिए। ये परिवार जो है वाल्मीकि नगर से अपने तकलीफों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने आया था। दरअसल बता दें कि इस महिला के पति की हत्या कर दी गई, आरोप ये परिवार लगा रहा है कि वाल्मीकि नगर के जेडीयू के जो विधायक है रिंकू सिंह, उन्होंने ये हत्या करवाई है। तेजस्वी यादव से इन्होंने मुलाकात की, आश्वासन दिया गया है जो कुछ भी उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।